तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है INT स्पोर्ट का 320G मॉडल है ये। तो बेसिकली एक नया मॉडल है, तो आपको अमेजोन पे ये मिल जाएगा। पूरा PC बिल्ड गाइड आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह का मॉडल का आता है ये, तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली एक टेम्पर्ड ग्लास आता है, ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टेम्पर्ड ग्लास हैंडल विद केयर। तो यहाँ पे देखिए हम चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो 320G है हमारा ये, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारा, मैं इसे बॉक्स से निकाल चुका हूँ, तो वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए 320G कुछ ऐसा दिखता है। तो ये देखिए मैं इसका आपको निकाल के दिखाता हूँ, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे दिखता है ये। तो यहाँ पे देखिए टॉप में आपको मैग्नेटिक यहाँ पे डस्ट फिल्टर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक है, तो आप इसे डस्ट अगर जा रहा है तो आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइड में आपको यहाँ पे देखिए USB 3.1 का सपोर्ट और 3.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। 2.0 है ऑडियो और माइक का यहाँ पे इनपुट है, रीसेट बटन है और यहाँ पे देखिए पावर बटन है। और यहाँ पे देखिए साइड से ये हमारा बैक व्यू है, सॉरी जो टॉप व्यू है, और फ्रंट से देखिए कुछ ऐसा दिखता है। मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ और आपको, तो देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। और जो ये आप देख रहे हैं ये बेसिकली ये पूरा मेश है, तो यहाँ पे आपका कूलिंग जो है बहुत बढ़िया होने वाला है। और ये प्री इंस्टॉल्ड फ़ैन है, यहाँ पे 3 फैन इंस्टॉल्ड है। तो मैं PC बिल्ड में दिखाऊंगा आपको, अभी भी ओपन करके दिखाऊंगा। बैक से देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ये देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी हार्ड है, ऐसा नहीं है मतलब आप इसे कहीं पर इधर उधर करेंगे तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था। चलिए मैं इसका बैक व्यू दिखाता हूँ, ये फ्रंट व्यू है। और यहाँ पे देखिए मैं टेम्पर्ड ग्लास दिखाना आपको भूल गया, तो ये टेम्पर्ड ग्लास है हमारा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो आप इसे निकाल भी सकते हैं ऊपर के कवर को, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगा अंदर क्या क्या मिलता है। ये बेसिकली एक ITX मदरबोर्ड है, तो आप जाके अमेजोन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेयर फैन पहले से इंस्टॉल्ड है, और फ्रंट फैन आप यहाँ पे 3 देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए बैक व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो रेयर फैन के बारे में बात कर रहा था, तो ये है रेयर फैन अपना। अब चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि अंदर का इसका लुक कैसा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फैन वगैरह लाइट वगैरह यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो आप इसे चाहे तो हाथ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड है अभी फिलहाल के लिए, फर्स्ट टाइम मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो आप इसे केयर से मतलब थोड़ा संभाल के ओपन करें या इसे हटाएं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ग्लास जैसा है, मतलब टेम्पर ग्लास जैसा है, तो ये टूटने का डर रहता है क्योंकि ये ग्लास है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना सारा स्क्रू यहाँ पे खोल चुका हूँ। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा लाइट, तो यहाँ पे आपको बस इसे स्लाइड करना है पीछे की तरफ। अब जैसे स्लाइड करेंगे तो आपका जो टेम्पर्ड ग्लास है इजीली निकल जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरह का मिलता है, तो ये हमारा ये केबल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए PSC स्टॉक मिलेगा, मतलब PSC का पूरा जगह मिल जाएगा आपको, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पीछे का मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा, अपने जो PC बिल्ड है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्री RGB फैंस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपको इस तरह का फ़ैन देखने को मिलेगा, और रेयर फ़ैन भी हमारा RGB नहीं है लेकिन नॉर्मल फ़ैन है, लेकिन काफ़ी सही फ़ैन है। तो मैं इसको असेंबल करके फिर बाद मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि ये किस तरह का आता है। तो अभी के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। फ्रंट लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, तो इसका प्राइस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे चैनल पे, सॉरी जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके देख सकते हैं अमेज़ॉन का। तो ये मुझे पड़ा था 3,700 के करीब, लेकिन मैंने इसे जो INT Esports का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से लिया था, क्योंकि अमेज़ॉन पे क्या हो रहा था कि इसका प्राइस तो 3,400 था, लेकिन इसमें सिर्फ आपको रेयर फैन जो है वो मिल रहा था। लेकिन मैंने सेम INT Esports में गया जब उनके वेबसाइट में, तो मुझे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, मुझे 3,799 मतलब 3,800 पे करना पड़ा, लेकिन मुझे साथ में 300 में मुझे एक्स्ट्रा फ़ैन देखने के लिए मिल गया। तो एक अच्छी डील थी, क्योंकि अमेज़ॉन में ऐसा ही चलते रहता है। तो इसका प्रूफ आप जाके देख सकते हैं, अपना जो मैं दोनों का लिंक दे दूंगा आप जाके देख सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक पूरी PC बिल्ड के साथ।